हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं लाइफ मंत्रा वाइव वर्षा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में मीशो हॉल शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ कुर्तियाँ ली हैं और कुछ हैं शरारा कुर्ती हैं और कुछ टी शर्ट हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, जो मैंने ये कुर्ती पहनी है इसको भी मैंने मीशो से ही लिया था, अभी नहीं कुछ टाइम पहले लिया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ये वहाँ पे होगी तो मैं इसका भी वो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही है तो। और हाँ, जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ सभी के कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कोड कॉपी कीजिए और मीशो पे पेस्ट कीजिए, तो वही चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी। काफ़ी कम प्राइस में आपको मीशो पे चीज़ें मिल जाती हैं बाकी साइटों से। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। देखिए, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने मीशो से ली हैं, अभी मैं आपको सभी को दिखाती हूँ वन बाई वन। देखिए, फर्स्ट है ये ब्यूटीफुल सी कॉटन कुर्ती, इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन, आई थिंक ये वो वाली है अनारकली जो कुर्तियाँ आती है ना, तो उस टाइप की ये कुर्ती है, अनारकली बोलेंगे इनको, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे। इसमें इस तरह से जो रिफिल होती है नीचे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं मैक्सी कुर्ती बोलते हैं, अनारकली पता नहीं क्या बोलते हैं, तो आप वीडियो में देख लीजिए उसी तरह की है ये। तो देखिए, इस पे ना यहाँ पे काफ़ी प्यारा सा वर्क हो रहा है, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है ये। और देखिए, बाजुओं पे भी इस तरह से आपको वर्क मिल जाएगा, और इसमें ना ये ऑरेंज, रेड, पिंक, हाँ तीन कलर की शेड है, काफ़ी प्यारी है देखिए। और इसका जो घेरा है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। और नीचे इस तरह से इसमें रिफिल लगी हुई है, और ये गोटा वाले लेस लगी हुई है, गोटा पट्टी वाली लेस, गोटा पट्टी की लेस बोलते हैं शायद इसको, आई डोंट नो, मुझको इतना पता नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह से लेस लगी हुई है, काफ़ी प्यारी है पहनने के बाद। देखिए यहाँ पे ना इसमें इस तरह से ये नीचे की साइड रिफिल भी हुई है, काफ़ी इसका जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा है, पहनने के बाद आपको खुद पता चलेगा, और मैं भी पहन के आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे ना दोनों साइड में इस तरह से ये टसल्स दिए हुए हैं, काफ़ी प्यारे हैं, देखो इधर भी हैं, तो ये देखिए दोनों साइड में, पहन के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो मैं आपको पहन के दिखाऊँगी, इस तरह से आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। और इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन, काफ़ी अच्छी है, और इसके जो प्राइस हैं वो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी। फ्लिपकार्ट जब मैंने इसको देखा था तो ये 1100 के समथिंग थी, और यहाँ पे ये मेरे को मिली है मीशो से 699 की है शायद, प्राइस मैं लगा दूँगी, मेरे को अच्छे से याद नहीं है पर हाँ शायद उतना ही है। और इसमें ना कलर भी काफ़ी सारे हैं, ग्रीन भी है, ठीक है, तो आप लेना चाहें तो इसके चेंज कलर भी ले सकते हैं, ग्रीन है और साइड स्काई ब्लू भी है, तो कलर भी काफ़ी सारे हैं, और प्लेन रेड में भी है, ये पूरा रेड है उसमें भी है, तो कलर भी काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे यही वाली लेनी थी, यही मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने ये ले ली। तो पूरे हॉल की सबसे फेवरेट कुर्ती मेरी यही है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाकी की कुर्तियाँ। कुर्ती रेड कलर की ये कुर्ती है, वाइट कलर का इसका शरारा है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती, तो ये देखिए इनका जो साइज़ है, सभी का साइज़ मैंने एल लिया है क्योंकि मुझे एल साइज़ आता है, थोड़ी सी मुझे इनकी फिटिंग करानी पड़ती है हल्की सी, ठीक है, तो मैं इसलिए एल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब मैं मीडियम साइज़ ले लेती हूँ तो थोड़ा टाइट पड़ जाता है, तो मैं एल लेती हूँ, हल्की सी फिटिंग में करा लेती हूँ।
किसी किसी की करानी पड़ती है, किसी की नहीं करानी पड़ती है। अभी कुछ कुर्तियाँ ऐसी होती हैं जो सिंक हो जाती हैं धुलने के बाद में, तो मैं एक दो बार धुलने के बाद ही जब मुझको लगता है फिटिंग करानी है तभी मैं कराती हूँ। तो ये देखिए, ये है ये ब्यूटीफुल सी रेड कुर्ती। इसका भी कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ये भी कॉटन, आई थिंक कॉटन एंड रेयन का जो मिक्स होता है ना उस तरह का इसका कपड़ा है। तो ये देखिए, इस पर भी हल्का सा यहाँ पर वर्क हो रहा है और ये सामने वर्क हो रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए, ये भी सिंपल नहीं है, फेस्टिवल वगैरह में पहनने के लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना इस पर वर्क हो रहा है और पूरी कुर्ती पे ये गोल्डन कलर के इस तरह की, आई थिंक क्या बोलते हैं उनको मेरे को नहीं पता है, प्रिंट हो रहा है, प्रिंट गोल्डन, ज़्यादा प्यारी है। इसका जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखिए कितना सॉफ्ट वाला इसका जो कपड़ा है, सॉफ्ट वाला जो कॉटन होता है ना उस तरह का इसका कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो मेरे को काफ़ी कम प्राइस में मिली है, ये सेट मिला है मेरे को आई थिंक 450 के समथिंग में है, प्राइस मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा, मेरे को याद नहीं है। 450 में आपको कुर्ती भी मिल रही है और साथ में शरारा भी मिल रहा है, तो भाई मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कुर्ती आपको कहीं पर भी मिलेगी मार्केट में। मार्केट में तो ओनली इतने में ओनली कुर्ती कुर्ती ही आती हैं, शरारा तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं और वो भी इतनी ब्यूटीफुल सी कुर्ती, देखिए आप खुद ही देख लीजिए और मैं पहन के भी दिखा दूँगी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, इसके बाद है इसका शरारा, तो ये है इसका शरारा, तो ये देखिए शरारा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका जो कपड़ा है वो है सॉफ्ट वाला कॉटन एंड रेयन, ठीक है, तो दोनों का कपड़ा है ना सॉफ्ट है, कुर्ती का भी और शरारा का भी, ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ऐसा नहीं है इसमें घेरा कम हो, देखिए काफ़ी ज़्यादा घेरा है, पहनने के बाद में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, इसलिए मैं सारी कुर्ती वगैरह को पहन पहन के दिखाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये है इसकी वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा शरारा, दोनों साइड में इसमें ये इसकी जो रिफिल है इस पर इस तरह से ये लेस लगी हुई है, ये क्रॉस करके इस तरह से, और देखिए एक ये बीच वाला प्लेन है फिर ऊपर वाले में इस तरह से लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। और दिखाती हूँ, इसको मैंने अभी नहीं लिया था, अभी मैंने इसको थोड़े दिन पहले ही लिया था, पर मैंने सिंगल लिया, मतलब इसके साथ में कुछ और नहीं लिया था, तो मैंने इसलिए वीडियो किया नहीं था, तो मैं सोचा चलो अभी दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। तो ये भी इस तरह से ब्यूटीफुल सी कुर्ती है ब्लैक कलर की और इस पर हो रहा है ये येलो कलर का वर्क, ये देखिए इसका कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पीछे साइड से प्लेन है और आगे साइड से हल्का सा वर्क हो रहा है, और इसके गले पे एंड इसकी बाजू जो हैं वो इस तरह से रिफिल वाली हैं, यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग वाली, ये येलो कलर की कपड़े से पाइपिंग बना के लगाई हुई है, तो ये ऐसे इस तरह से नीचे भी लगाई हुई है, ठीक है, और येलो कलर का इसका ये शरारा है, ये देखिए। बाद मैंने लिए हैं दो टी शर्ट, टू के सेट में थी ये, देखिए एक है इसमें मैरून कलर की, इसमें भी मैंने एल साइज लिया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये थी वहाँ पे 333 की थी, पता नहीं कुछ ऐसी थी, पर ये मुझे मिली है 283 की, ठीक है, तो पता नहीं कितने की थी, कुछ ऐसी थी, पर इनको इन पर मेरे को ना डिस्काउंट मिला था, अलग से डिस्काउंट मिला था, तो ये मेरे को 238 की मिली थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ये देखिए। और सेकंड है ये ब्लैक वाली, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, तो मार्केट में तो भैया इतने सस्ते रेट में मुझे नहीं लगता कि मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद 250 की खरीदती थी,
तो ये तो मेरे काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं दोनों ही टी शर्ट, और ये मेरे को 120-120 की दोनों पड़ी। तो भैया इतने में तो सेल में भी नहीं मिलेगी, दुकान पे तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप इनको भी ज़रूर से ट्राई करें अगर आपको पसंद आई है। तो इनमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं। तो ये दो मेरे को बहुत पसंद थी, मैरून एंड ब्लैक में। अगर आपको जो भी कलर पसंद हो, यार मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। सभी के कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा मीशो हॉल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्दी मीशो ज्वेलरी हॉल भी आने वाला है, और फ्लिपकार्ट हॉल भी आने वाला है। तो काफ़ी सारे हॉल आने वाले हैं, दीपावली से पहले पहले सारे हॉल आ जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल बटन को क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।